प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो अभी आपको पढ़ाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है पढ़ने के लिए। अभी बहुत ही कम टाइम है बच्चे एग्जाम से आने के लिए, 1 मार्च से आपका एग्जाम है, तो बच्चे आपको अभी जी जान लगा के पढ़ाई करनी होगी। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बच्चे, हम लोग जहां लास्ट वाले लेक्चर में बहुत ही गजब तरीके से क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा कि आखिर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आखिर उसके टाइप्स कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स के, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग लास्ट वाले लेक्चर के अंदर खत्म किए हुए थे, फोड़े हुए थे बच्चे। आज इस लेक्चर के अंदर बच्चे हम लोग जो है बेटा क्या करने वाले, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने वाले। मैं आपको बता दूं बेटा, हम लोग जो लास्ट वाले लेक्चर में बहुत ही गजब तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बच्चे हम लोग ये सारी चीज यहां पे पढ़ चुके हैं, तो ये वापस से मैं आपको यहां पे रिपीट करने वाला नहीं हूं प्यारे बच्चे। अगर जिन बच्चों को देखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसे क्या क्या फंडे पड़ गए, ऐसे क्या क्या चीजें उनके करे हुए, तो बच्चे आप लोग जो लास्ट वाले लेक्चर देख लीजिए। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, जो उसको जो आप लोग अच्छे से देखिए बच्चे, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चा, आज हम पढ़ने वाले बच्चे, आज हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने वाला कि आखिर प्रोटीन्स क्या होती है। तो बच्चे प्रोटीन जो हमारी जो है बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा नीड होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, समझ आए सारे बच्चे? हाँ, तो बच्चे हम लोग पूरी की पूरी जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले। इसके अंदर बच्चे हम लोग प्रोटीन आखिर क्या होता है, आखिर वो कैसे होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या ऐसे एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे सारी चीज अपन जो है पढ़ने वाले, ध्यान से रखिए बच्चे। और ये बच्चे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट आपको एक बार बता देता हूँ कि ये प्रोटीन वाला जो लेक्चर है बेटा, ये जो लेक्चर नंबर 2 है, ये आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर के लिए पूरा ओवरऑल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे इसी प्रोटीन से आ रहे होते हैं। मैंने जैसे आपका एनालिसिस किया बेटे, पुराने जो क्वेश्चन पेपर थे वहां से एनालिसिस से मैं हमको ये पता चला है कि इसी चैप्टर से, ठीक है, इस चैप्टर से जो ये प्रोटीन वाला जो पोर्शन है बेटा, यहां से जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चे आप ये वीडियो लेक्चर जो कभी मिस मत कीजिएगा, ठीक है, अगर मिस कर रहे हो बेटा तो आपके लिए 3 नंबर का घाटा होने वाला है, क्लियर है सारे बच्चों को, क्योंकि ये चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 नंबर आपके लिए शायद घाटे पूर्ण सौदा हो सकते हैं। तो आप लोग बच्चे आप लोग क्या अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, ध्यान से रखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, इस सारे लेक्चर यहाँ पे जो मैं आज बताने वाला बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंसेप्ट होने वाला है, समझ गए बच्चे? अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो तो प्रोटीन की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो आप लोग सभी जानते हो कि प्रोटीन आखिर होता क्या है, ठीक है। प्रोटीन अपन जो है बचपन से सुनते आ रहे, डॉक्टर से सुनते आ रहे, सारी चीजें पेरेंट्स से सुनते आ रहे कि प्रोटीन सर हमको जो है प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हम जो है प्रोटीन होता है, ठीक है, सेब में प्रोटीन होता है, फल्स में जो फल जो होते हैं बेटा उसमें प्रोटीन होता है, सारे बच्चे प्रोटीन प्रोटीन तो बोलते रहते हैं, आखिर प्रोटीन केमिकल लेवल भैया केमिकल क्या होती है, हमारी जो केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री भैया इंटरनली जाके देखती है कि आखिर उसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब ही होता है बेटा कि इंटरनली आप देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसकी संरचना क्या है, वो कैसे बना है, उसमें कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स है, सारी चीजें आपको जो है केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो हम बच्चे ऊपर ऊपर बातें नहीं करेंगे, हम जब पूरी इंटरनल लेवल पर जाकर बात करेंगे आखिर प्रोटीन में होती क्या क्या चीज है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट। देखो प्रोटीन, तो प्रोटीन की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो प्रोटीन में जो है प्रोटीन क्या होता है, एक अल्फा एमिनो एसिड होता है बच्चे, ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड, मैंने क्या बोला बच्चे, अल्फा एमिनो एसिड बोला, ठीक है, ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये वर्ड मैं आपको बार बार अभी जब मैं जब तक प्रोटीन पढ़ाऊंगा तब तक ये वर्ड आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अल्फा एमिनो एसिड होता है, ठीक है। अल्फा क्या होता है बेटा, ठीक है, अल्फा हमारे जो एक पोजिशन को बता रहा है, एमिनो एसिड तो अपन को पता है, ठीक है, एमिनो एसिड क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करूं प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसको जो प्रॉपर तरीके से पहले स्क्रीन शॉट ले, उसके बाद इसके डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो बच्चे आप लोगों ने जो उम्मीद कर रहा हूं कि स्क्रीन शॉट लिया होगा अच्छे तरीके से। अब देखो बच्चे, मैं अगर मैं बात करूं कि रासायनिक रूप में हमारा प्रोटीन क्या बताता है, रासायनिक रूप से बच्चे हमारा प्रोटीन जो होता है अल्फा अमीनो क्या होता है बेटा, एसिड होता है, कि बहुलक होते हैं, क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स क्या होंगे बच्चे, पॉलीमर्स मतलब एक जो है प्रोटीन के भैया एक जो है हमारे प्रोटीन नहीं रहेंगे, ठीक है, प्रोटीन बहुत सारे तरीके से, एक प्रोटीन होगा उसके बाद दूसरा प्रोटीन उसके बाद तीसरा प्रोटीन, इस प्रकार से पूरे के पूरे जो सीक्वेंस रहेगा सीरीज रहेगा उसी को बेटा बहुलक बोल देंगे अपन, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है, पॉलीमर होता है, पॉलीमर मतलब होता है बहुलक, ठीक है, पॉलीमर का मतलब होता है बच्चा बहुलक, ठीक है, कोई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज लेके चल रहे हैं, ठीक है, बहुलक की बात कर रहा हूं। अब बहुलक होते हैं, अब बच्चे यहाँ पे एक बात आता है कि अगर मेरा जो है एमिन जो सॉरी प्रोटीन जो है, प्रोटीन का आखिर जो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात बताऊं बेटा, तो स्ट्रक्चर आप लोग बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हमारा जो NH2 होगा, ठीक है, NH2, ठीक है, NH2, NH2 की बात कर दूं, NH2 जो है जिसको हम लोग एमीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, एमीन ग्रुप्स। अब मैं अगर प्रोटीन की बात करूं बच्चे, तो प्रोटीन में क्या होता है, दो ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, पहला जो ग्रुप होता है बेटा एमीन ग्रुप होता है, और दूसरा जो ग्रुप होता है बेटा वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जो ग्रुप की मैं बात बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं ग्रुप क्या बोल रहा हूं, आखिर ग्रुप क्या है, तो बेटा आप लोग जो है थोड़ी सी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पकड़ आपको मजबूत करनी होगी, ठीक है, पकड़ आपकी मजबूत करनी होगी। क्यों मजबूत करनी होगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, 10वीं क्लास की ग्रुप है बेटा,
ठीक है, मतलब आप लोगों को बचपन में पढ़ा होगा, इलेवेंथ में पढ़ा होगा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन्स ग्रुप होते हैं, हैलाइड ग्रुप होते हैं, तो वही ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, वही ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, समूह की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या एक एमीन ग्रुप है, NH2 है, ठीक है, NH2 एमीन ग्रुप है, इसके साथ बेटा कार्बन बॉन्ड होगा, ठीक है, सामने में क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन लगेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे एक जो है ऐसा एल्किल ग्रुप रहता है, ठीक है, एल्किल ग्रुप रहेगा। अब देखो बच्चे यहां पे क्या होगा, मेरे को एक जो है क्या मिलेगा, COOH मिलेगा, जो कि होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये मेरा पूरा ओवर बच्चे क्या है, प्रोटीन का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला बेटा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का, ठीक है। तो ये फंडे आप लोग बच्चे याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, अपने कॉपी के अंदर लिख लिया, क्योंकि इसको मैं बच्चे एकदम शॉर्ट फॉर्म में बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको मैं डिलीवर करने वाला हूं कि कैसी चीजें होती है। अब देखो बच्चे ये मेरा प्रोटीन का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बेटा, इस कार्बन से यहां पर जो है NH2 का बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया NH2 यहां पर लगा दिया हूं तो यहां पर आ सकते हैं सर, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर बुक में ऐसा भी लिखा हो तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर हो भी सकता है, ठीक है बच्चे। तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग अपने कॉपी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है बच्चे। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखो अगर ये मेरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन में अपन को क्या दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे कि यहां पे जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा एक दिख रहा है, ठीक है, और ये मेरा जो है एमीन ग्रुप है बेटा, यहां पे दूसरा दिख रहा है, ठीक है, मेरे को यहां दो ग्रुप्स दिख रहे हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स दिख रहे हैं। अब दो ग्रुप्स दिख रहे हैं बच्चे, अब एक प्रोटीन तो नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, एक कंपाउंड तो नहीं होंगे हमारे, ठीक है, उसके साथ साथ और भी हमारे प्रोटीन होंगे, और भी प्रोटीन आएंगे इधर, ठीक है, एक प्रोटीन के साथ तो एक सिंगल प्रोटीन तो रहेगा नहीं, ठीक है, एक जो है हमारा सिंगल जो है प्रोटीन तो रहेगा नहीं, एमिनो ग्रुप जो है हमारा अल्फा एमिनो ग्रुप तो रहेगा नहीं, ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड तो रहेगा नहीं, ठीक है, तो अलग अलग करेगा बच्चे, एक अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है, दूसरा अल्फा एमिनो एसिड, तीसरा अल्फा एमिनो एसिड, इस प्रकार से पूरा एक सीक्वेंस रहता है, उसी सीक्वेंस में बेटा सीक्वेंस रहेगा तो वहां पर एक बॉन्ड आएगा, ठीक है, एक बॉन्ड आएगा, उस सीक्वेंस को जोड़ के रखने के लिए कुछ ना कुछ तो वहां पे बल लगेगा ना, कुछ बंद लगेगा ना, उसी बंद को बोलेंगे बेटा पेप्टाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन, पेप्टाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, उसी बॉन्ड को बोलेंगे अपन क्या, पेप्टाइड, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये मैं बताऊंगा फिलहाल, अभी ये नाम सिर्फ याद रख लो कि उसको बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन, पेप्टाइड बोल रहे होते हैं, सिंपल सी बात, पेप्टाइड बोलेंगे। अब जो बने जो सीरीज बनेगी बेटा, जो सीक्वेंस बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड, क्या बोलेंगे, पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड में अलग बोल दिया, ठीक है, वो पूरा सीक्वेंस बनेगा उसको अपन बोलेंगे पेप्टाइड, उस सीक्वेंस के जोड़ने के लिए जो कड़ी रहती है, जो लिंक रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बंध बोलते हैं। समझ में आया सारे बच्चों को, क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो बच्चे इतना एकदम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, अगर आप जो है अगर मैं आपको कभी भी पूछ दूं या फिर कभी भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना हो बेटा, तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि भाई जवाब दे पाओ, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो भाई अगर मैं पेप्टाइड बंध कहते हैं क्या बच्चा, अल्फा एमिनो एसिड की इकाई जहां पे बेटा COOH, ये एक फॉर्मूला आप लोग फिलहाल अभी याद कर लो 10 मिनट के लिए याद करके रखो, इसके बाद मैं ये बता दूंगा कि ये कैसे बना है, ठीक है, पहले फिलहाल अभी 10 मिनट के लिए याद रख लो, क्योंकि 10 मिनट के बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा, यहां राज से पर्दा उठ जाएगा, समझ आया सारे बच्चों को? अब देखो बंध से जुड़ी रहती है, जुड़ी होती है, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं पहले बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखो लगभग क्या होता है, 10,000 द्रव्यमान संख्या वाले बहुलक को पेप्टाइड कहते हैं, यहाँ पे एक और याद रखना, 10,000 क्या होते हैं बट अणुभार वाले, 10,000 अणुभार वाले जो बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं। तो प्रोटीन किसको बोलते हैं सर, ये तो पेप्टाइड बोल दिया अपन, तो प्रोटीन क्या है बच्चा, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन जब मैं इसमें अधिक, इससे अधिक द्रव्यमान वाले जो बहुलक होंगे, 10,000 अणु द्रव्यमान वाले, द्रव्यमान सॉरी जो होते हैं अणु रहते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं, और इससे अधिक वाले जो होते हैं बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन जो है बहुलक प्रोटीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, प्रोटीन बोलेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम गलत तरीके से क्लियर हुआ होगा, देखो ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट बच्चे आपको मैं क्लियर कराते जा रहा हूं साथ ही साथ, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए भाई, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीरियसली बता रहा हूं बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी वीडियो से आपके 3 नंबर आने वाले हैं, इसी वीडियो से यकीन मानो, इसी वीडियो से आपके 3 नंबर आ जाएंगे, देखो ठीक है। अब 10,000 द्रव्यमान वाले संख्या को बहुलक को क्या बोलेंगे बेटा, वाले बहुलक को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बोलेंगे, और पेप्टाइड का इससे अधिक वाले द्रव्यमान को अपन क्या बोल देते हैं अपन, हाँ बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। एक और फंड आपको याद करने का तरीका बताता हूं, जब भी भैया आपके जो पॉलीपेप्टाइड की बात करूंगा, ठीक है, जब पॉलीपेप्टाइड की बात करूंगा, फिलहाल अभी वर्ड आप याद रख लो कि पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जिसकी संख्या अगर 100 है, ठीक है, जिसकी संख्या 100 है, उसको अपन बोलेंगे प्रोटीन, क्या बोलेंगे बच्चा, प्रोटीन, ठीक है। ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिसकी संख्या जो है 100 से 100 या उससे अधिक होती है बच्चा, उसको अपन बोलते हैं प्रोटीन, क्या बोलेंगे, प्रोटीन। लेकिन भाई हमारे पास एक एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं फटाफट, छोटा सा लिख देता हूं, हमारे पास जो है एक एक्सेप्शन केस होता है, कौन सा, इंसुलिन, क्या होता है बेटा, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या होता है बच्चा, इंसुलिन का क्या होता है, इसमें बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, जो
जो पॉलीमर्स होता है बेटा वो क्या होता है, अल्फा एमिनो एसिड पॉलीमर्स नहीं, अल्फा एमिनो एसिड जो होता है 51 होता है, क्या होता है इंक्यावन, सिर्फ और सिर्फ 51। लेकिन हमको क्या कंडीशन है कि हमारा अल्फा एमिनो एसिड जो है ना, अल्फा एमिनो एसिड ये 100 होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा प्रोटीन होगा, ये 100 होना चाहिए तभी प्रोटीन होगा। लेकिन हमारा इंसुलिन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 51 होता है, फिर भी हमारा क्या होता है बच्चा, ये इंसुलिन होता है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, किसी भी केमिकल्स का क्या होता है बेटा फिक्स्ड कंपोजिशन हो जाए ना, तो हम उसको प्रोटीन के तौर पर कंसीडर कर पाएंगे। तो हमारा इंसुलिन क्या है बच्चे, इंसुलिन क्या है हमारा प्रोटीन में कंसीडर होता है। क्लियर सारे बच्चों को, छोटी छोटी पॉइंट है बच्चे, छोटी छोटी पॉइंट्स है, आपके बुक्स में खोजोगे नहीं मिल पाएगा अभी, ठीक है समझ आया ना बच्चे, तो मैं आपको यहां पे कवर अप करा दे रहा हूं। देखो बच्चा ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारी प्रोटीन्स की, ठीक है। अल्फा एमिनो एसिड की मैं बात करूं बच्चे, तो अल्फा एमिनो एसिड में मैंने आपको जैसे अभी तक मतलब बोला हुआ है कि वहां पे दो क्रियात्मक समूह लगते हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स लगते हैं, पहला ग्रुप बेटा एमीन लगता है, दूसरा ग्रुप बच्चे क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है, और उसी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिस पे हम जो है एमीन की स्थितियां प्राप्त करेंगे, स्थितियां निकालेंगे, ठीक है, जो कि आपको यहां पे पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। देखो फटाफट देखो, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है फटाफट आया। अब देखो बच्चे यहां पे क्या हुआ, जो हमारा COOS था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी के बेसिस पे, उसी के रेस्पेक्ट पे हम जो है NH2 का हमारा जो एमीन ग्रुप है उसका क्या निकालेंगे, स्थितियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं बेटा अल्फा बीटा गामा और हम जो है डेल की बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम जो है तीन के बारे में बात करेंगे, अल्फा बीटा और गामा के बारे में, ठीक है फटाफट देखते हैं। देखो अल्फा की मैं बात करूं बेटा, तो अल्फा जो स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिख रहा होगा, अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है, यहाँ पे आपको सारे बच्चों को बहुत गजब तरीके से क्लियर होगा कि अल्फा एमिनो एसिड क्या है, सर बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल सारे बच्चों को, ठीक है। अगर देखो बच्चे मैंने पहले ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पहले ही स्ट्रक्चर बना के दिया हूं, देखो बच्चे यहाँ पे क्या है COOH मतलब कार्बोक्सिलिक समूह अपन को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो NH2 बच्चे मैंने आपको बोला भी हुआ है कि भैया आपको यहाँ पे दिखे या फिर यहाँ पे दिखे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो NH2 यहाँ पे अल्फा एमिनो अम्ल अपन को दिख रहा है बच्चा, अल्फा एमिनो अम्ल दिख रहा है, ठीक है, तो इसी को मैं बोलूंगा अल्फा एमिनो समूह, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चे, जो अल्फा एमिनो ग्रुप होता है ना बच्चा, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही जो हमारा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर जो हमारे जो भी इंटरनली क्या होता है कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो प्रोटीन्स के तौर पे जो कवर अप कर पाए, ठीक है, इस यही हेल्प करता है अल्फा एमिनो समूह, ठीक है, अल्फा एमिनो ग्रुप। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया, ठीक है, एकदम इजी भैया, कोई शांति कोई जो है यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करेगा, शांति से समझते रहिएगा, ठीक है। अब देखो अल्फा एमिनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड दो क्रियात्मक समूह अपन को दिख गए यहां पे, ठीक है। अगर मैं बीटा की बात करूं बच्चे, ठीक है, तो बीटा एमिनो एसिड की बात कर देता हूं, बीटा एमिनो एसिड की मैं बात करूंगा, तो बीटा एमिनो एसिड क्या होता है, देखो जस्ट अभी क्या था बच्चा, हमारे सी था, ठीक है, ऊपर में एक ऐसा था, ठीक है, ऐसा भी नहीं तो यहां पे एस लिखा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां पे NH3 था, NH2 यहां पे बेटा COO, ठीक है, अब देखो देखो, ठीक है, सी फिर लगा दूंगा मैं CH2 COOH, अब बेटा मेरे को यहां मिलेगा R, ठीक है, इस तरीके से मेरे को इस तरीके से जब स्ट्रक्चर दिखेगा बच्चा, ठीक है, एक कूदी मार के एक इसका पड़ोसी भैया एक कूदी मार दिया, एक पड़ोसी, ठीक है, पहला पड़ोसी, इसके पड़ोस में ये हमारे को एनकिन समूह दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पड़ोस में एक पड़ोस में ये तो इसका पड़ोस में भैया हमारा एल्किल ग्रुप है, ठीक है, इसके पड़ोस में जब देखूंगा तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को एमिन ग्रुप मिल जाएगा, जब ये एमिन ग्रुप मिल जाएगा तो बेटा मैं इसको क्या बोलूंगा, बीटा ग्रुप बोलूंगा, क्या बोलूंगा, बीटा एमिनो एसिड बोल दूंगा। क्लियर है सारे बच्चों को, सिर्फ एक स्टेप भैया यहाँ पे CH2 आ गया, बस इतना ही, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं बेटा आपको बोलूं कि भैया हमारा जो गामा इधर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर ही लिख दे रहा हूँ भाई, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, देखो इधर ही स्पेस कम है तो इधर ही लिख दे रहे अपन गामा एमिनो एसिड की मैं बात करता हूँ, ठीक है, गामा एमिनो एसिड की मैं बात करूं तो गामा एमिनो एसिड क्या बोलते हैं, गामा सेम स्ट्रक्चर, कोई यहां पे कोई भी गलती नहीं, ठीक है, देखो आर, ठीक है, सी, यहां पे अपन इसको CH लिख देते हैं फटाफट, तो ज्यादा कम स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो NH2 और बेटा यहां पे CH2 और बच्चे मेरे को यहां पे मिलेगा COH, ठीक है, पहले खुद ही मार के आए अपन CH2 में पहला पोजीशन, यहां से फिर दूसरा पोजीशन में बेटा यहां पे दूसरा पोजीशन, मतलब मैं गामा पे आ गया, पहले बीटा पे आया, फिर अल्फा पोजीशन यहां पे क्लियर रहेगा, उसके बाद बीटा पे आया, इसके बाद गामा पे आया, ठीक है, तो ये पूरा पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चा, मेरा गामा एमिनो एसिड हो गया, क्या हो गया, गामा एमिनो एसिड, बहुत ईजी बच्चे, ठीक है, ये इस प्रकार से अपन जो है पूरा लिखेंगे अल्फा बीटा और गामा। अल्फा क्या बेटा, ये वाला अल्फा है, ठीक है, ये वाला अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड, ठीक है, तीन टाइप हो गए, तीन तरीके पढ़ लिए अपने यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके कॉपी के अंदर होने चाहिए इसको, ठीक है, जब भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाए बच्चे तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखने आना चाहिए, समझ में आया, ठीक है, बहुत ईजी है ना, ठीक है। अब देखो बच्चे आवश्यक एमिनो एसिड की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट हमारे एमिनो एसिड कुछ ऐसे होते हैं जिनको बच्चे हम अब सब में एक फंडा भाई, सब में एक फंडा,
हमारे पास एमिन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसी के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस भी निकालेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे देखो ध्यान से क्या लिखा है, एमिनो एसिड का वर्गीकरण करेंगे तो क्या होगा, NH2 समूह क्षारीय प्रकृति का होता है, बेटा सी डबल होता है जो एसिड, जब मैं एसिटिक एसिड बोल रहा हूँ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा हूँ तो एसिडिक नेचर का होगा ही होगा, एसिडिक नेचर मतलब भैया अम्लीय प्रकृति का होगा ही होगा, ठीक है। NH2 अपन को पता ही पता है कि NH2 जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अगर नहीं पता किसी बच्चे को तो ध्यान से सुन लो भाई, मैं वापस से बता दे रहा हूँ इधर, जो सी डबल ओ एच जो होता है बच्चे, ये होता है एसिडिक नेचर का, क्या एसिडिक अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। जो मेरा NH2 जो होता है, NH2 जो होता है ये होता है मेरा बेसिक नेचर का, ठीक है, याद है बच्चा, बेसिक क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्लियर है सारे बच्चों को। तो यहां पे दो चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है, बाकी सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी, देखो बच्चा, ठीक है। अगर मैं उदासीन प्रकृति की बात करूं बेटा, उदासीन अमीनो एसिड की मैं बात कर दूं, तो उदासीन अमीनो एसिड बोल रहा है मतलब वहां पे कोई भी चार्जेस नहीं आएगी, कोई भी चार्जेस नहीं आएगी, चार्जेस कहने का मतलब बच्चे वहां पे मेरे को एसिडिक नेचर का नहीं मिलेगा और ना ही मेरे को बेसिक नेचर का मिलेगा, मतलब कैसे हो जाएगा सर, समझ नहीं आ रहा, ध्यान से सुनते रहना बच्चे, ठीक है। अब देखो, जब मेरे एक अल्फा एमिनो ग्रुप आया, उस एमीन ग्रुप में क्या बच्चा हमारे पास एक एसिडिक नेचर का भी होगा, एक बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। अब समझो कि वहां पे एसिडिक नेचर का भी उस सेम क्वांटिटी में आ गया और बेसिक नेचर का भी सेम क्वांटिटी में आ गया, ठीक है। एक अम्ल भी जो है हमारे सेम क्वांटिटी में आया, एक क्षार भी सेम क्वांटिटी में आया, सेम उसी मात्रा में आएगा, सेम समान मात्रा में, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के पावर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे के पावर को कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे की प्रकृति को क्या कर देंगे बेटा, न्यूट्रलाइज कर देंगे, समझ में आया। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल मतलब उदासीन एमिनो एसिड, ठीक है, उदासीन एमिनो एसिड। क्या आपको लिखना है बच्चे, लिख लो बराबर क्या होगा, जब क्या होगा NH2 तथा सी डबल ओ एच, ठीक है, समूह बराबर संख्या में होते हैं तब बच्चे क्या होते हैं हमारे जो है उदासीन एमिनो एसिड बनता है। आपको एग्जांपल लिखना है बच्चे, जैसे कि एनालिन, ठीक है, एनालिन हमारा क्या होता है बच्चे, ये एग्जांपल है, इसको फटाफट लिखना है, ठीक है। अब देखो, मैं अम्लीय अमीनो एसिड की बात करूं और क्षारीय अमीनो एसिड की बात करूं, एक साथ समझा रहा हूं, ध्यान सुनते रहना, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय की मैं बात करूं तो अम्लीय में क्या होता है, हमारा सी डबल ओ एच क्या होता है बेटा, अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब सी डबल ओ एच की कार्बोक्सिलिक एसिड की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गई, सी डबल ओ एच की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गई, सिंपल सी बात है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है और NOH2 की, सॉरी NH2 की जो क्वांटिटी वो कम होगी, तो क्या हो जाएगी बेटा, उसकी जो अम्लीय की प्रकृति ज्यादा होगी तो मतलब वो क्या करे, अम्लीय की तरह व्यवहार करेगी, मतलब अम्लीय अम्लीय मेरे को क्या मिलेगा बेटा, अल्फा सॉरी अमीनो एसिड मिलेगा, अम्लीय अमीनो एसिड मिलेगा, क्लियर है। अम्लीय अमीनो एसिड कम मिलेगा, उनको पता चल गया, जब मेरी अम्लीय की जो प्रकृति है, जो सी डबल ओ एच है, उसकी प्रकृति जब ज्यादा हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, तब मेरे को क्या मिलेगा बच्चा, क्या होगा, अम्लीय अमीनो एसिड मिलेगा। जब क्षारी कम मिलेगा सर, जो मेरा NH2 है, जो मेरा NH2 है, ठीक है, एमिन ग्रुप है बेटा, उसकी जो क्वांटिटी ज्यादा होगी तब मेरे को क्षारीय प्रकृति का मिलेगा एमिनो एसिड, तब मेरे को क्षारीय प्रकृति का एमिनो एसिड मिलेगा, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसको टाइप्स को आप लोग याद करके रखना, ठीक है, ये एग्जाम्स के अंदर आते हैं, समझ आया सारे बच्चों को, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा हूं बच्चे, मैं धीरे धीरे, ठीक है, मैं धीरे धीरे आपके जो है एक नंबर दो नंबर तीन नंबर की जो और बढ़ते जा रहा हूं, धीरे 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 बढ़ते जाए, धीरे धीरे करेंगे भाई, धीरे धीरे खाएंगे तभी तो खाएंगे ना, फटाफट एक बार में नहीं होता सब कुछ, ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। देखो प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, गुण की अगर मैं बात करूं बच्चे, ठीक है, प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी क्या बताती है हमको, ठीक है, जो अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है ना बच्चे, वो क्या होता है, लवण की भांति क्या करता है, लवण की भांति व्यवहार करता है। लवण की भांति क्यों व्यवहार करेगा, जब हम जो है बचपन में थे, कक्षा दसवीं में थे, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब क्षार और जो है क्षार और अम्ल जो है आते हैं साथ में, तो हमको वहां पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, उदासीनता का प्रक्रम देखने को मिलता है, समझ में आया। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है बच्चा, वहां पे सॉल्ट का निर्माण होता है, नमक का निर्माण होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे पास एक जो है, एक जो है हमारा एसिड है और दूसरा जो है हमारा क्षार है, ठीक है, एसिड और क्षार है अपने पास, तो उसको उससे बनेगा क्या, जब एक साथ आएंगे तो बनेगा क्या, आखिर हमको बनेगा भैया, सिंपल सी बात है, क्या बनेगा हमको, जो है लवण का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, एकदम कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक है, ठीक है, यहाँ पे कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं। ये जो नमक की बात कर रहा हूं, अब नमक को आप लोग देखो बेटा, नमक क्या होता है, रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता, ठीक है, नमक होगा रंगीन, ठीक है, वो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेट में होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म पे होता है, क्रिस्टलाइज सॉलिड रूप में होता है, ठीक है, तो हमारा जो एमिनो एसिड होगा वो भी क्रिस्टलाइज सॉलिड फॉर्म पे होगा, होगा, क्लियर है सारे बच्चों को, समझ आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करता हूं बेटा, देखो यह क्या करता है, उभयधर्मी, ये फंडा आपको कॉपी के अंदर लिखा होना चाहिए, ठीक है, आप लोग बच्चे इसको क्या करो, कॉपी के अंदर लॉक करके रखो, जैसा भी करना है जैसे भी करो, लेकिन भैया ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ये लिख दो बस, क्या हुआ, या जो उभयधर्मी प्रकृति का होता है, यार उभयधर्मी की भांति क्या करता है बेटा, व्यवहार करता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, क्या बच्चे, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। एम्फोटेरिक कहने का मतलब क्या होता है सर, एम्फोटेरिक आखिर है क्या, बहुत कंसेप्चुअल बेटा, बहुत बेसिक फंडा है। एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, जहां पे एसिडिक एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड है, वो एसिड की तरह भी काम करेगा,
एक एसिड की तरह भी काम करेगा और जो है एक बेस की तरह भी काम करेगा। एक बेस मतलब एक अम्ल की भांति भी काम करेगा, एक जो क्षार की भांति भी काम करेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चे, उसको अपन बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर, उभयधर्मी प्रकृति। ठीक है, उभयधर्मी प्रकृति। क्लियर है सारे बच्चों को? सर्व बच्चों को समझ में आया उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है? जहां पे एसिड और बेस दोनों की जो है गुण की भांति व्यवहार किया जाता है, उसी को हम बोलेंगे बच्चा उभयधर्मी प्रकृति। ठीक है, उभयधर्मी प्रकृति। अब बच्चे ये तो बात अपन को समझ में आ गई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर? इसी प्रकृति से बच्चे आपका जो है अभी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करूंगा ना, वो क्या है बेटा? ज्यूपिटर। क्या है? ज्यूपिटर। ज्यूपिटर आयन के ऊपर बात करने वाला हूं। जी ये बच्चा आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछा गया। ठीक है, ज्यूपिटर आयन और बच्चे पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड, पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड के बारे में बात करो। ये दो क्वेश्चन बच्चे, ये दो क्वेश्चन आपके कॉपी के अंदर लिखा होना चाहिए। आप कुछ भी कर लो बच्चे, लेकिन ये दो क्वेश्चन आपके कॉपी के अंदर लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो क्वेश्चन बेटा बहुत ही बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो बच्चे आपको इसको जो है प्रॉपर तरीके से लिखने आना चाहिए। तो उसी के इसी की कड़ी में आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखते रहना। अब पढ़ते हैं हम लोग जो है ज्यूपिटर आयन के ऊपर। ज्यूपिटर आयन आखिर क्या होता है सर? इतने टाइम से हम जो है भौकाल समझ रहे थे कि आखिर ज्यूपिटर आयन क्या है सर, ज्यूपिटर में क्या हो रहा है। तो बच्चे ध्यान से सुनते रहना, ज्यूपिटर आयन में बताने वाला हूं। देखो बच्चा फटाफट देखते हैं। अब ज्यूपिटर आयन क्या बच्चे, अपन यहां पे प्रोटीन के बारे में बात करें, प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ज्यूपिटर में क्या होगा? अल्फा अमीनो एसिड होगा, जो कि प्रोटीन है, जो कि प्रोटीन है। अब अल्फा एमिनो एसिड है बच्चे, तो यहां पे क्षार भी होगा और हमारे पास जो है क्या होगा, एसिड भी होगा। ठीक है, बेस भी होगा और एसिड भी होगा, और दोनों साथ साथ एक ही अणु में क्या होंगे बेटा, रहेंगे। दोनों एक ही अणु में तो रहेंगे ना, अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे भाई। प्रोटीन का एक अणु है ना, अपना कंपाउंड है, उसके अंदर हमारा क्षार भी है, उसके अंदर हमारा बेसिक भी, क्या होगा, एसिड भी है। ठीक है, एसिड भी, आप दोनों भाग थोड़ी जाएंगे, एक ही अणु में रहेंगे। उसी में बच्चे क्या होंगे, आयंस क्रिएट हो जाएंगे। क्या हो बच्चा? आयंस क्रिएट होगा। आयन कैसे क्रिएट होगा उसी को बोलेंगे। ठीक है, मैं आयंस कैसे क्रिएट होगा उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल समझो कि आयंस क्रिएट होंगे जाएंगे। क्या होंगे? अणु के में क्या होंगे बेटे? आयंस क्रिएट होंगे। अब जब आयंस होगा तो उसी आयन को बोलेंगे, मतलब आंतरिक, आंतरिक लवण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? आंतरिक लवण बोलेंगे। और उसी फंडे को अपन बोलते हैं ज्यूपिटर आयन। क्या बच्चा? उसी फंडे को बोलेंगे ज्यूपिटर आयन। अब आयन कैसे बनता है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, ज्यूपिटर आयन बनता है जिससे अम्ल समूह का होता प्रोटॉन देते हैं। आपने बचपन में पढ़ा हुआ है लुईस का अम्ल, अम्ल सिद्धांत, क्षार सिद्धांत पढ़ा हुआ है, सारे बच्चे पढ़े हुए हैं। ठीक है, नौवीं क्लास में होगा बच्चे, हाँ नौवीं क्लास में तो होगा होगा। ठीक है, नौवीं दसवीं में पढ़े हुए, जिसमें अम्ल क्या होता है बेटा, अम्ल प्रोटॉन देता है बेटा, क्षार क्या होगा, प्रोटॉन लेता है। ठीक है, ये एकदम बेसिक फंड है बच्चे, एकदम बेसिक फंड है। हमारा एसिड क्या होता है? हमारा एसिड प्रोटॉन एच प्लस, मतलब एच प्लस आयन देगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा बेटा? एच प्लस आयन रिलीज करेगा। ठीक है, हमारा बेस क्या होता है बच्चे? बेस जो है H प्लस आयन क्या करता है बेटा? एक्सेप्ट करता है। ये बहुत बेसिक फंड है, बहुत बेसिक फंड है, यही बेसिक फंड है यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात कर रहा था अपने प्रोटीन के बारे में, तो एमिनो एसिड की मैं बात करता, सेम फंड है एमिनो एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर याद है आपको, कॉपी के अंदर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर याद है ना बच्चे? इसी स्ट्रक्चर को फोड़ते हैं, देखो बच्चा। ठीक है, हमारे पास एक एल्किल ग्रुप सी एच, पता है अपन को सी एच, वहाँ पे NH2 एमिनो एसिड। ठीक है, यहाँ पे CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमको पता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओवरऑल मेरे को क्या मिला बच्चे? ये पूरा का ओवरऑल मेरे को अल्फा एमिनो एसिड मिल गया। क्या मिला? अल्फा एमिनो एसिड। अब अल्फा एमिनो एसिड में बच्चे मैंने क्या कर दिया, इसको जल में डाल दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। हाइड्रोलाइसिस मतलब जल पे डाल दिया। ठीक है, अब जल पे डालूंगा बेटा तो क्या होगा, वहां पे चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चा? चार्जेस क्रिएट होगा। वो भी कैसे चार्जेस क्रिएट होगा, देखो ध्यान से। जब मैं जल पे डालूंगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, अब इस अंदर के अंदर भेजिए, अब हाँ चार्जेस क्रिएट होगी यहाँ। चलो ये सारा फंडे छोड़ो, आप ये सारे फंडे छोड़ो, सिंपल सी बात है, ये सारे फंडे छोड़ो, आपको समझना है ना कंसेप्ट। आप ये सारे फंडे छोड़ दो, जल में डाल देंगे, क्या कर देंगे, ये सब फंड छोड़ो। सिर्फ आप ये याद रखो कि हमारा एसिड क्या दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा, प्रोटॉन देगा। ठीक है, हमारा बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन लेगा। बस इतना फंडा याद रखो। अब देखो बच्चे, इस कंपोनेंट, इस कंपाउंड के अंदर हमारे दोनों चीजें हैं, एसिड और बेस दोनों है, तो भैया ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चा, रिलीज करेगा। देखो यहाँ पे सी डबल ओ एच, ठीक है, सी डबल ओ एच है ना, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है। क्यों बच्चे? क्योंकि ये जो है एसिडिक नेचर का है, एसिडिक, एसिडिक भैया याद रखना है, एसिडिक। ये क्षारी सॉरी अम्लीय प्रकृति का है, तो अम्लीय प्रकृति का है बेटा, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, ये जो सब्सटेंस ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा, रिलीज करेगा। हाइड्रोजन रिलीज करेगा बच्चे, तो इसके घर पे ही हमारा एक जो है ग्राही बैठा हुआ है, एक जो एक्सेप्टर बैठा हुआ है, जो क्या करेगा उसके हाइड्रोजन को ले लेगा, उसके हाइड्रोजन को लेगा। वो ग्राही कौन है बेटा, वो एक्सेप्टर कौन है, हमारा NH2। और जब ये एक हाइड्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां पे ऐड हो जाएगा, तो यहां पे H2 जो है, NH2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलेंगे बच्चा, मतलब हमारा जो यहां से एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो गया, यहां पे बटन लवण जैसा सिचुएशन क्रिएट होगा, मतलब सॉल्ट की भांति जो है व्यवहार किया गया। इसी के लिए बच्चे, इसीलिए बच्चे इसको बोलेंगे हम लोग आंतरिक लवण, या फिर भैया ज्यूपिटर आयन बोल रहे होंगे।
ठीक है, आंतरिक लवण या फिर ज्वेटर आयन बोल रहे होंगे। समझ में आया एकदम बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, फंडे क्लियर होने चाहिए बच्चे आप लोग, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सारे फंडा आपको समझ में आया होगा उम्मीद कर रहा हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आंतरिक लवण बेटा ज्वेटर आयन में क्या, ज्वेटर आयन कहलाता है। इसमें बेटा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्रिएट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसका क्या होता है, कभी भी क्या होता है, अधिकता नहीं होती, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं। ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे बच्चा, हम लोग जो है यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश होता है, क्या करेंगे, किंतु संपूर्ण रूप से क्या होता है बच्चे, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, संपूर्ण रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। समझ में आया सारे बच्चों को? क्लियर है ना भाई? क्लियर है, अरे क्लियर बोलो भाई, कमेंट सेक्शन में लिख दो क्लियर है करके। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैंने अभी अभी आपको बोला हुआ है कि हमारा जो प्रोटीन होता है, ठीक है, हमारा जो एमिनो एसिड होता है बच्चा, वो दोनों क्या करते हैं, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, मतलब एसिड की तरह भी काम करेगा और जो है क्षार की बातें भी काम करेगा। तो ऐसे कोई सिचुएशन बताओ सर मेरे को जिसमें हमको पता चले, तो वो सिचुएशन यहां पे दिख रहा है बच्चा। ठीक है, अब देखो अम्लीय विलयन में क्या बात कर रहा हूं बच्चा, अम्लीय विलयन में एक हमारे पास सॉल्यूशन है जो क्या है बेटा, एसिडिक नेचर का है, उसमें मैं एमिनो जो अम्ल डाल दिया, तो उसमें क्या कैटायन हो जो होंगे ना, उसमें जो कैटायन होंगे, ठीक है, वो कैटायन के रूप में होता है, क्या बच्चे, कैटायन होंगे और वो क्या करेगा, कैथोड की ओर गमन करेगा, उसमें जो कैटायन होंगे वो कैथोड की ओर जाएगा, और उसमें जो एनायन होंगे प्यारे बच्चों, और उसमें जो अम्ली विलयन में जब मैं इलेक्ट्रोड डालूंगा तो क्या होगा, उसमें क्षारी विलयन में एमिनो एसिड जो होगा, छाड़ी तरीके से जो बेसिक नेचर का एमिनो एसिड जो होगा, वो एमिनो एसिड क्या करेगा बेटा, एनायन के ओर, एनायन की ओर जो है गमन करने लगा, एनायन जो होगा वो एनोड की ओर गमन करने लगेगा। सिंपल फंडा देखो, एक कंटेनर है अपने पास, उस कंटेनर में जो है हमारे एसिडिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन अम्लीय विलयन भरा हुआ है। ठीक है, उस अम्लीय विलयन में मैंने क्या डाल दिया भैया, हमारा एमिनो, हमारा प्रोटीन डाल दिया, एमिनो एसिड डाल दिया, उस एमिनो एसिड में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। ठीक है, अगर मैं वहां पे देखूंगा तो हमारा जो एमिनो एसिड में जो कैटायंस होंगे, वो कैटायंस क्या करेंगे, कैथोड की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, कैथोड की ओर जाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब कैथोड की ओर जाना स्टार्ट करेंगे बेटे, तो अगर मैं वहां पे आपको एक छड़ डाल के रख दूं, एक जो है इलेक्ट्रोड डाल दूं, इलेक्ट्रोड डालने से मैं ये देखूंगा कि मेरे जो एनायंस थे वो क्या करेंगे, एनोड की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे। इससे अपन को ये पता चलता है बच्चा कि यहां पे जो है एसिडिक नेचर भी फॉलो हो रहा है और जो है क्षारीय नेचर भी फॉलो हो रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो यहां पे आपको फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा बेटा, फटाफट देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे केटायन जो है बेटा ज्विटर आयन फॉर्मेशन कर रहा है, और ज्विटर आयन बच्चे यहाँ पे दो तरीके से बॉन्डेशन हो रही है, एक हमारा जो है एक जो है केटायन बन रहा है, एक जो बेटा हमारे को यहाँ पे एमिन मिल रहा है, ठीक है, एमिनो एसिड मिल रहा है, यहाँ पे एक बच्चा हमको क्या मिल रहा है, एमिनो एसिड मिल रहा है। ठीक है, एक एमिनो एसिड इस तरीके से मिल रहा है, और ये मेरा बच्चा दूसरा एमिनो एसिड मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा जो दूसरा एमिनो एसिड मिल रहा है। अब दो एमिनो एसिड को क्या करते हैं, बोलते हैं बच्चा, दो एमिनो एसिड, तीन एमिनो एसिड, जैसे जैसे एमिनो एसिड बढ़ता जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ, उसको बोलते हैं पेप्टाइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, पेप्टाइड बोलते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया?